नमस्कार, मैं हूं शेफरपाल सिंह सोखी, आप सभी का स्वागत करता हूं त्यौहार स्वादों का में। अजी, हिंदुस्तान में जब त्यौहार होते हैं ना, खाने का मजा ही कुछ और होता है। रंगारंग मौसम होता है और खाने के व्यंजन जो है विभिन्न प्रकार के मिलते हैं। अब दुर्गा पूजा में देखिए, बंगाल में खाने के मामले में कोई कमी नहीं। 8-10 दिन बिल्कुल दावतें ही दावतें चलते रहती है। अब भाई लोग कबाब खाते हैं, मिष्टी दोई खाते हैं, रसगुल्ले खाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाते हैं। इसलिए मैंने सोचा आप सभी को बढ़िया सा एक कबाब खिलाऊं, वेजिटेरियन मकई गलौटी बना के खिलाऊं आपको। मकई गलौटी बनाने के लिए मुझे मकई चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मुझे फूली हुई चना दाल चाहिए। अक्सर जब मैं रेसिपीज़ में कहता हूँ ना फूली हुई चना दाल का पाउडर, तो लोग कहते हैं कि ये पाउडर मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। वैसे फूली हुई चना दाल जो है आपको रिलायंस फ्रेश में बहुत बढ़िया क्वालिटी की मिल जाएगी। मैं वहीं से लेके आया हूँ और इसका मैं पाउडर बनाऊंगा। इसके लिए थोड़ी सी ये फूली हुई चना दाल ले ली और ये हमने बढ़िया चना दाल पाउडर बना लिया। और इसके साथ साथ एक और इंग्रेडिएंट की आवश्यकता है, वो है कैश्यू नट पाउडर। ये जो मिक्सी है इसी में मैं लेता हूँ। थोड़े से कैश्यू नट पहले हल्के से गरम कर लेने, फिर मिक्सी बंद। और यहाँ पे मिक्सी को कंटिन्यूसली नहीं घुमाना आपने, क्योंकि मिक्सी को कंटिन्यूसली घुमाएंगे तो पाउडर जो है ना वो जम जाएगा, कैश्यू नट से तेल छूट जाएगा। ये देखिए, बढ़िया कैश्यू नट पाउडर। नेक्स्ट स्टेप ये लीजिए, मैंने एक कढ़ाई रख ली है यहाँ पे गरम करने। गलौटी बना रहे हैं तो घी डालना तो बनता है जी। उसमें ये चॉप्ड जिंजर, चॉप्ड गार्लिक, हरी मिर्चें, गार्लिक हल्का सा ब्राउन हो जाए तो इसमें मैं रोस्टेड चना दाल पाउडर ये डालूंगा, 2 बड़े चम्मच कैश्यू नट पाउडर। इनको पहले थोड़ी देर तक भूनेंगे। जब चना दाल की जो भूनने पे खुशबू आती है ना, जब वो आने लगे तो समझ जाइए बिल्कुल मिश्रण तैयार है। नेक्स्ट स्टेप, इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और साथ साथ लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए हमने हरी मिर्च यूज़ की है। कॉर्न डालूँगा, ये लीजिए कॉर्न, और ब्राउन अनियन। ये जो ब्राउन अनियन किया आपने, अगर एक बड़ा ब्राउन अनियन ले, उसे बारीक स्लाइस करके आप पीसेंगे तो आपको इस तरह का टेक्सचर मिल जाएगा। और इसमें अब हम नमक डाल लेते हैं, नमक जितना आपको चाहिए स्वाद के हिसाब से, ये लीजिए, और इलायची पाउडर। इसको अच्छे से भून लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, ये डालने के बाद बंद, और इस मिश्रण को पीसना है। पीसने के लिए ये हमने ले लिया, इसको मैं शुरुआत करके रखता हूं। अब इसे पीस लेते हैं और मैंने ये कढ़ाई वापस चालू करके रखी थी। भूनना क्यों है मैं आपको बताऊं, मकई जो होती है ना उसमें मॉइस्चर काफ़ी होता है, तो जब आप पीसते हैं तो वो पानी छूटता है और मिश्रण ढीला हो जाता है, कबाब सही बनेंगे नहीं, तो इसलिए मुझे भूनना है इसे। तो इसे मैं लगभग 6 से 8 मिनट तक भूनूंगा ताकि मिश्रण बिल्कुल बढ़िया गाढ़ा हो जाए। अब ये कबाब का मिश्रण देखिए बढ़िया गाढ़ा हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ क्या क्या चेक करना होता है। जब आप ऐसे छुएं तो ये इस तरह से चिपकना नहीं चाहिए,
कबाब के मिश्रण को निकाल लेते हैं, ये देखिए, और इस मिश्रण को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। एक पैन को गर्म करने रख देते हैं। बढ़िया मिश्रण तैयार। फाइनली इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, ये लीजिए, और नींबू, एक चौथाई नींबू का रस का जूस, क्योंकि जितना मिश्रण है मेरे पास उसके हिसाब से मैं डाल रहा हूँ। इसको मिक्स कर लेते हैं। क्या बात है, ये इस तरह से कबाब बना लेते हैं और सेकने के लिए रख देते हैं। बहुत ही मुलायम है ये कबाब। अब ये कबाब को अच्छे से सेकेंगे और पलटेंगे नहीं बार बार, एक तरफ अच्छा कलर आ जाए फिर पलटेंगे। ये देखिए, एक तरफ से जब बढ़िया कलर आ जाए तब आप पलटिएगा। मैंने एक प्लेटर यहाँ पहले से तैयार करके रखा है, बढ़िया चटनी, पुदीना और लच्छे वाले प्याज, जिसमें थोड़ा सा दही डाला है। ये कबाब इतना पकाया हमने कि इसे बहुत ज़्यादा पकाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे पकड़ आ जाए ताकि आप जब हाथ में लें या सर्व करें तो बाइंडिंग नज़र आनी चाहिए, आसानी से पकड़ सकें आप। लो जी, त्यौहार के लिए सबसे बढ़िया रेसिपी तैयार। और दुर्गा पूजा हो और खाने का स्वाद ना हो, भाई मज़ा आ जाएगा अगर ऐसी रेसिपी बना के परिवार वालों को खिलाएंगे। और रेसिपी बनाने के लिए चाहिए बढ़िया इंग्रेडिएंट्स, तो कहाँ जाएंगे, रिलायंस फ्रेश। और जी, ऐसी रेसिपी बनाते रहें और परिवार को खिलाते रहें। दुर्गा पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ।